नमस्कार दोस्तों, हाजिर हैं एक बार फिर से आज की बड़ी और ताजा खबरों के साथ। बस आपसे निवेदन है, कृपया वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी बटन भी दबा दें। ये पहली बड़ी खबर है। गुजरात में पहले चरण के चुनाव के लिए प्रचार खत्म, 1 दिसंबर को 89 सीटों पर होगा मतदान। ये आपको बता दें कि गुजरात विधानसभा चुनाव के पहले चरण में 1 दिसंबर को 89 सीटों पर होने वाले चुनाव के लिए प्रचार मंगलवार 29 नवंबर की शाम 5 बजे थम गया। 182 सदस्यीय गुजरात विधानसभा चुनाव के तहत 2 चरणों में 1 और 5 दिसंबर को वोट डाले जाएंगे और मतगणना 8 दिसंबर को होगी। गुजरात में इस बार भाजपा, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच में त्रिकोणीय मुकाबला होने के आसार हैं। पहले चरण में 1 दिसंबर को 89 सीटों पर होने वाले चुनाव के लिए कुल 788 प्रत्याशी मैदान में हैं। पहले चरण के मतदान से 48 घंटे पहले प्रचार बंद करने के नियम के तहत मंगलवार शाम 5 बजे प्रचार पर रोक लगा दी गई। अगली बड़ी खबर, जेपी नड्डा ने केजरीवाल पर बोला बड़ा हमला, बोले गुजरात की जनता ने आम आदमी पार्टी को नकार दिया। ये आपको बता दें कि भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने चुनाव प्रचार के आखिरी दिन भावनगर में रोड शो किया। इस दौरान उन्होंने अरविंद केजरीवाल पर जमकर हमला बोला। जेपी नड्डा ने कहा कि गुजरात की जनता ने आम आदमी पार्टी को नकार दिया है, अरविंद केजरीवाल जी को महत्व देने की जरूरत नहीं है। प्रधानमंत्री हर चुनाव में इसी तरीके से लड़ते हैं और प्रचार करते हैं, एक तरफा फैसला होगा, सभी रिकॉर्ड टूट जाएंगे। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने ऐलान कर दिया है कि इस बार भी गुजरात में भाजपा की ही सरकार बनने वाली है। अगली बड़ी खबर, गुजरात में योगी आदित्यनाथ ने कांग्रेस पार्टी पर बोला बड़ा हमला, कहा कांग्रेस के राज में होते थे दंगे और लगता था कर्फ्यू। ये आपको बता दें कि यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने चुनाव प्रचार के आखिरी दिन गुजरात के लुणावाड़ा विधानसभा क्षेत्र में जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि 20 वर्ष पहले गुजरात में दंगे होते थे और कर्फ्यू लगता था, व्यवसाय नहीं हो पाता था, धार्मिक कार्यक्रम नहीं होता था। मोदी जी के नेतृत्व में सरकार का गठन होते ही राज्य दंगा मुक्त हो गया। अगली बड़ी खबर, मुख्यमंत्री केजरीवाल ने शुरू किया डोर टू डोर कैंपेन, प्रचार के अंतिम दिनों में आम आदमी पार्टी ने की बड़ी तैयारी। ये आपको बता दें कि दिल्ली नगर निगम चुनाव के लिए 2 दिसंबर तक प्रचार किया जाएगा, जिसको लेकर पार्टियों ने जमीन पर अपना पूरा जोर लगा दिया है। आम आदमी पार्टी के संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल ने मंगलवार से डोर टू डोर कैंपेन की शुरुआत कर दी। उन्होंने सबसे पहले चिराग दिल्ली क्षेत्र से घर घर जाकर लोगों से अपने पक्ष में वोट करने की अपील की। ये सिलसिला 2 दिसंबर तक लगातार जारी रहेगा। 4 दिसंबर को होने वाले दिल्ली नगर निगम चुनाव में 3 प्रमुख पार्टियों में टक्कर देखने को मिल रही है, जिसमें बीजेपी और आम आदमी पार्टी के सीनियर नेताओं ने अभी से ही अपनी जीती सीट का दावा कर दिया है। एमसीडी चुनाव प्रचार का अंतिम दौर चल रहा है, यही वजह है कि मंगलवार को मुख्यमंत्री केजरीवाल अपने पहले डोर टू डोर कैंपेन की शुरुआत चिराग दिल्ली से की। आम आदमी पार्टी के नेताओं ने नुक्कड़ सभा, पदयात्रा, रोड शो, जनसभा और अनेक माध्यम से एमसीडी चुनाव प्रचार में अपनी पूरी ताकत लगा दी है। आम आदमी पार्टी के सबसे बड़े चेहरे केजरीवाल खुद मंगलवार को घर घर जाकर अपनी पार्टी के कार्यों को गिनाते नजर आए और अपने पक्ष में वोट डालने की अपील की। अगली बड़ी खबर, दिल्ली में बीजेपी का आज होगा मेगा शो, कई राज्यों के मुख्यमंत्री समेत केंद्रीय मंत्री भी करेंगे रोड शो। ये आपको बता दें कि दिल्ली नगर निगम चुनाव का प्रचार आखिरी पड़ाव पर चल रहा है, ऐसे में राजनीतिक दलों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। बीजेपी ने गुजरात विधानसभा चुनाव में पहले चरण के प्रचार पर ब्रेक लगते ही अपनी पूरी फौज को एमसीडी चुनाव में उतार दिया है। बीजेपी आज दिल्ली के सभी 14 जिलों में मेगा शो करने जा रही है। इसमें कई राज्यों के मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्री तक शामिल होंगे और रोड शो करेंगे। जानकारी के मुताबिक चुनाव प्रचार के आखिरी चरण में भाजपा ने अपनी रणनीति में बदलाव किया है और 30 नवंबर को सभी 14 जिलों में रोड शो करने का खाका तैयार कर लिया है। दावा किया गया है कि पार्टी नगर निगम चुनाव में 200 से ज्यादा वार्ड जीतेगी। आज रोड शो होने जा रहा है, उसका नाम विजय संकल्प रोड शो रखा गया है। इसमें केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी, पीयूष गोयल, अनुराग ठाकुर, भूपेंद्र यादव, ज्योतिरादित्य सिंधिया, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और पुष्कर सिंह धामी और जयराम ठाकुर समेत भाजपा के 14 वरिष्ठ नेता शामिल हैं। दिल्ली भाजपा के महामंत्री कुलजीत सिंह चहल ने कहा कि समाज के सभी वर्गों, खासकर झुग्गी एवं पुनर्वास बस्तियों के नागरिकों में भाजपा के प्रति एक अभूतपूर्व उत्साह देखने को मिल रहा है। भाजपा के प्रत्याशियों के साथ साथ केंद्रीय नेता प्रचार में जा रहे हैं और जनता से मिल रहे हैं, वहां से फीडबैक मिल रहा है कि दिल्ली के गरीब एवं सामान्य वर्ग के लोगों में मुख्यमंत्री केजरीवाल और आम आदमी पार्टी को लेकर नाराजगी है। इन लोगों का कहना है कि आम आदमी पार्टी सरकार ने
केंद्र सरकार की आवास, आयुष्मान एवं अटल बीमा जैसी योजनाएं दिल्ली में लागू नहीं की हैं, जिससे उनका लाभ नहीं मिल पा रहा। आपको बता दें कि चहल ने कहा कि भाजपा ने 20 नवंबर को अपना औपचारिक चुनाव प्रचार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा और अन्य नेताओं की मौजूदगी में विजय संकल्प रोड के साथ ही शुरू किया था। अब आज भाजपा के 14 वरिष्ठ नेता दिल्ली के अलग अलग इलाकों में विजय संकल्प रोड शो करेंगे और भाजपा के लिए मिल रहे जन समर्थन को और मजबूत करेंगे। अगली बड़ी खबर, उज्जैन में महाकाल के दरबार में दंडवत हुए राहुल गांधी, 7 दिन में दूसरी बार ज्योतिर्लिंग के किए दर्शन। यह आपको बता दें कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने मंगलवार को मध्य प्रदेश के उज्जैन में भगवान शिव के प्रसिद्ध महाकाल मंदिर में विधि विधान के साथ पूजा अर्चना की। राहुल गांधी की अगुवाई में भारत जोड़ो यात्रा ने उज्जैन में प्रवेश किया। राहुल गांधी लाल धोती पहने दिखे। उन्होंने मंदिर के पुजारियों के मार्गदर्शन में सभी अनुष्ठान किए। मंदिर के पुजारियों ने उन्हें स्टॉल भी भेंट किया। अनुष्ठान करने के बाद राहुल गांधी ने मंदिर के गर्भगृह के सामने दंडवत प्रणाम किया। वे मंदिर परिसर में नंदी की मूर्ति के पास भी कुछ देर बैठे। उसके बाद राहुल गांधी उज्जैन स्थित श्री दिगंबर जैन सिद्ध क्षेत्र श्री महावीर तपोभूमि पहुंचे। यहां पर उन्होंने जैन धर्म गुरुओं के दर्शन किए और आशीर्वाद लिया। राहुल गांधी ने यहां पर आरती भी की। वे यहां पर काफी देर तक रहे। आपको बता दें कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा अब जल्द ही मध्य प्रदेश होते हुए राजस्थान में प्रवेश करेगी। अगली बड़ी खबर, जेपी नड्डा ने कांग्रेस और आम आदमी पार्टी पर बोला बड़ा हमला। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी को बताया फसली बटेर, बोले इनसे सतर्क रहे जनता। यह आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा ने मंगलवार को कांग्रेस और आम आदमी पार्टी पर जबरदस्त हमला बोलते हुए उन्हें फसली बटेर की संज्ञा दी और जनता को ऐसे दलों से सतर्क रहने की सलाह दी। जनजातीय बहुल दाहोद जिले में एक चुनावी सभा को संबोधित करते हुए जेपी नड्डा ने आरोप लगाया कि कांग्रेस ने 70 सालों में जनजातीय समुदाय के कल्याण के लिए कुछ भी नहीं किया, जबकि भाजपा सरकारों ने इसके लिए अनेकों काम किए और समुदाय विशेष के लोगों को राष्ट्रपति, राज्यपाल और केंद्रीय मंत्री तक बनाया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ऐसी पार्टियां हैं जो सिर्फ चुनावों में दिखती हैं और चुनाव के बाद गायब हो जाती हैं, लेकिन चुनाव के बाद अगर कोई सेवा के लिए बचता है तो वो भाजपा के कार्यकर्ता बचते हैं। उन्होंने कहा कि गुजरात में आम आदमी पार्टी सरकार बनाने आई थी, लेकिन अब इसका आकार भी बचे गया नहीं। ये तो 8 तारीख के बाद ही पता चलेगा। ये देने वाले लोग हैं। इन फसली बटेरों से आपको सतर्क रहना है। ज्ञात हो कि फसली बटेर शब्द का उपयोग आम तौर पर कथित अवसरवादियों के लिए किया जाता है। जेपी नड्डा ने कहा कि जो फसली बटेर होते हैं वो फसल तैयार होने पर आते हैं, वे अनाज लेने आते हैं और फिर खेत को खराब करके चले जाते हैं, वे फिर मिलते ही नहीं। आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी पर निशाना साधते हुए भाजपा अध्यक्ष ने कहा कि उत्तर प्रदेश, गोवा, उत्तराखंड जैसे राज्यों के चुनाव में उसके उम्मीदवारों की जमानत तक जब्त हो गई और ऐसा ही गुजरात विधानसभा चुनाव में होने वाला है। जेपी नड्डा ने साफ कर दिया है कि इस बार भी बीजेपी की प्रचंड बहुमत की सरकार बनने जा रही है। अगली बड़ी खबर, अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी पर बोला जबरदस्त हमला, बोले बीजेपी ने एमसीडी में काम किया होता तो प्रचार के लिए इतने मुख्यमंत्रियों और केंद्रीय मंत्रियों की जरूरत नहीं पड़ती। यह आपको बता दें कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधते हुए कहा कि अगर पार्टी ने एमसीडी में अपने शासन के दौरान काम किया होता तो उसे प्रचार अभियान में अपने कई मुख्यमंत्रियों और केंद्रीय मंत्रियों की जरूरत नहीं पड़ती। उन्होंने 4 दिसंबर को होने वाले नगर निगम चुनाव से पहले चिराग दिल्ली इलाके में आम आदमी पार्टी के लिए घर घर जाकर प्रचार करने के दौरान स्थानीय निवासियों से चर्चा करते हुए ये बात कही। दिल्ली नगर निगम यानी एमसीडी चुनाव के लिए 4 दिसंबर को मतदान होना है। आम आदमी पार्टी और बीजेपी दोनों पार्टियां चुनाव में अपनी अपनी जीत का दावा कर रही हैं। अगली बड़ी खबर, गद्दार विवाद के बाद पहली बार साथ नजर आए अशोक गहलोत और सचिन पायलट। अशोक गहलोत बोले जब राहुल गांधी ने धरोहर कह दिया है तो कोई दिक्कत नहीं। यह आपको बता दें कि राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री को गद्दार बताने वाले प्रदेश के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत मंगलवार को सचिन पायलट के साथ में नजर आए। दोनों नेताओं ने 4 दिसंबर को राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के राजस्थान में प्रवेश करने की बात कही। दरअसल अशोक गहलोत ने बृहस्पतिवार को एक टीवी चैनल को दिए इंटरव्यू में कहा कि सचिन पायलट गद्दार हैं जो उनकी जगह नहीं ले सकते, क्योंकि उन्होंने 2020 में कांग्रेस के खिलाफ विद्रोह किया था और राज्य सरकार को गिराने की कोशिश की थी। दोनों नेताओं के बीच में बढ़ते विवाद को देखते हुए राहुल गांधी ने सोमवार को इंदौर में कहा कि दोनों नेता पार्टी के लिए धरोहर हैं। राहुल गांधी के अशोक गहलोत और सचिन पायलट पर दिए गए बयान के बारे में पूछे जाने पर अशोक गहलोत ने प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय के बाहर संवाददाताओं से बातचीत में कहा कि राहुल गांधी हम सबके नेता हैं। जब राहुल गांधी ने कहा कि हम धरोहर हैं तो फिर कोई दिक्कत
बात नहीं, हम धरोहर हैं। फिर चर्चा किस बात की? उन्होंने कहा कि हमारी पार्टी की सबसे बड़ी खूबी यही है, आजादी से पहले और आजादी के बाद जो नंबर एक नेता होता है उनके अनुशासन में पार्टी चलती है। हमारे यहाँ पर राहुल गांधी के कहने के बाद कोई भी गुंजाइश नहीं रहती। अगली बड़ी खबर, केजरीवाल को लगा जबरदस्त झटका, आम आदमी पार्टी के 3 पूर्व विधायक बीजेपी में हुए शामिल, आम आदमी पार्टी पर लगाए गंभीर आरोप। आपको बता दें कि दिल्ली एमसीडी चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी को बड़ा झटका लगा, आम आदमी पार्टी के 3 पूर्व विधायकों ने बीजेपी का दामन थाम लिया। इसमें पूर्व विधायक कमांडो सुरेंद्र सिंह, राजू धींगान और चौधरी फतेह सिंह शामिल हैं। इन पूर्व विधायकों ने मंगलवार को दिल्ली में बीजेपी की सदस्यता ग्रहण कर ली। इस दौरान बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा ने उनका पार्टी में स्वागत किया। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष आदेश गुप्ता भी मौजूद रहे। पूर्व विधायक कमांडो सुरेंद्र सिंह ने कहा कि फौजी के लिए सबसे पहले देश होता है। जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह सेना को मजबूत करने का बेड़ा उठा रहे हैं, मैं उनके विकास से प्रेरित होकर और आम आदमी पार्टी के भ्रष्टाचार से तंग आकर बीजेपी ज्वाइन कर रहा हूं। अगली बड़ी खबर, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर समाजवादी पार्टी के नेता ने दे दिया विवादित बयान, बोले अखिलेश यादव की सपा सरकार चाहती तो आपको सूली पर चढ़ा देते। ये आपको बता दें कि यूपी में हो रहे उपचुनाव के बीच नेताओं के बयानों का दौर जारी है। इस बीच समाजवादी पार्टी के नेता और प्रवक्ता अमीक जामेई ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बारे में एक विवादित बयान दे दिया है। अमीक जामेई ने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, आप गोरखपुर दंगे का वक्त याद कीजिए। उन्होंने कहा कि उस समय समाजवादी पार्टी की यूपी में सरकार थी, समाजवादी पार्टी अगर चाहती तो आपको सूली पर चढ़ा देती। दरअसल सपा प्रवक्ता अमीक जामेई आजम खान के बारे में पूछे गए सवाल पर ये बातें कह रहे थे। अमीक जामेई ने अपने बयान में कहा कि आजम खान जैसे बड़े नेता के साथ में योगी आदित्यनाथ निजी तौर पर दुश्मनी दिखा रहे हैं। अगर सपा सरकार भी इसी तरीके से निजी दुश्मनी निभाती तो उनको गोरखपुर दंगों के मामले में सूली पर चढ़ा देती। अगली बड़ी खबर, चुनाव से दूर रहने की सजा पाकर और तीखे हो गए आजम खान, बोले मैं तो उनकी नींदें भी हराम कर सकता था। आपको बता दें कि सपा के दिग्गज नेता रहे आजम खान को हेट स्पीच के मामले में 3 साल की सजा मिलने के बाद चुनावी राजनीति से भी दूर होने की सजा मिली है। फिर भी रामपुर विधानसभा सीट के उपचुनाव में आजम खान ही मुद्दा और मुद्दई दोनों बने दिख रहे हैं। सपा कैंडिडेट आसिम रजा से ज्यादा आजम खान के चर्चे हैं और वो हर मोहल्ले में जाकर सभाएं भी कर रहे हैं। यही नहीं, आजम खान शायद पहले से भी ज्यादा तेवरों में दिख रहे हैं। चुनावी सियासत से दूरी की सजा पाकर अब वो बेफिक्र से हैं। बीते कुछ दिनों में उन्होंने योगी सरकार पर कई तीखे हमले किए हैं और भावुक टिप्पणियां करते हुए खुद खुशी तक की बात कही है। मंगलवार को ही आजम खान ने रामपुर में एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि सरकारें बहुत सी आई हैं और हमारी भी आई है, लेकिन अमन था, हमें तो ये खबर ही नहीं थी कि सरकार का काम ये भी है कि लोगों के घरों के ताले तोड़े जाएं, महिलाओं को पीटा जाए और बेगुनाहों को सालों तक जेल में रखा जाए। हमने तो ये समझा था कि हम सांसद विधायक हो गए तो हमें सड़कें बनानी है और लोगों को घर दिलाने हैं। यदि सरकार का काम ये नहीं है तो वो ये कर सकते थे कि रातों की नींदें भी हराम हो जाती। अगली बड़ी खबर, सुरक्षा घटाने पर शिवपाल यादव ने योगी सरकार पर बोला बड़ा हमला, बोले डिंपल यादव करेंगी उपचुनाव में गोला और जनता करेगी मेरी सुरक्षा। ये आपको बता दें कि अखिलेश यादव से शिवपाल यादव की नजदीकियां बढ़ने के बाद सरकार ने सुरक्षा घटाई तो सपा ने भाजपा पर जमकर निशाना साधा। पहले अखिलेश यादव ने, फिर चाचा शिवपाल यादव ने भी योगी सरकार को आड़े हाथों ले लिया। प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष शिवपाल सिंह यादव ने मंगलवार को कहा कि भाजपा से यही उम्मीद थी और अब डिंपल यादव की जीत का अंतर और बढ़ जाएगा। सपा संस्थापक मुलायम सिंह यादव के निधन के बाद उनके प्रतिनिधित्व वाली मैनपुरी सीट पर होने वाले उपचुनाव में सपा प्रमुख अखिलेश यादव की पत्नी डिंपल यादव इस सीट से पार्टी के उम्मीदवार हैं। डिंपल यादव के लिए प्रचार कर रहे शिवपाल यादव से जब उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा उनकी सुरक्षा कम करने के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि भाजपा से उन्हें यही उम्मीद थी और अब जनता और पार्टी के कार्यकर्ता उनकी सुरक्षा करेंगे। उन्होंने कहा कि अब डिंपल यादव की जीत का अंतर और ज्यादा बढ़ जाएगा। मैनपुरी संसदीय क्षेत्र में 5 दिसंबर को मतदान है और 8 दिसंबर को मतगणना होगी। ये थी अब तक की बेहद बड़ी खबरें। आपका क्या मानना है, इस बार मैनपुरी सीट किसके खाते में जाने वाली है? अपनी राय हमें वीडियो लाइक कर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। ऐसी ही ताजा और न्यू अपडेट्स जानने के लिए लाल बटन दबाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी बटन भी दबा दें। जल्दी मिलते हैं बड़ी अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।